हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेड चिली फूड हब। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी रेसिपी है दाल वड़ा, जो कि बहुत ही बढ़िया एक टी टाइम स्नैक्स है। चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कप चना दाल लेंगे, उसे अच्छी तरह वॉश करके 3 घंटे के लिए सोक करके रख देंगे। 3 घंटे हो चुके हैं, हमारी दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम एक बाउल लेंगे, उस पर एक स्ट्रेनर रखेंगे और ये दाल को इसमें डालेंगे ताकि जो इसका पानी है वो सारा निकल जाए। दाल का सारा पानी निकल गया है। अब हम इसमें से 2 स्पून दाल अलग कर लेंगे और इसे साइड पे रख लेंगे। अब हम इस दाल को जार में डालेंगे, थोड़ा कटा हुआ अदरक डालेंगे, जीरा डालेंगे और कुछ कड़ी पत्ता डालेंगे और इन सबको दरदरा पीस लेंगे। हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, हमें कुछ ऐसा मिक्सचर चाहिए, हम इसका फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे जो हमने पहले निकाली थी, एक फाइनली चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे। अब इसमें बेसिक स्पाइसेस जैसे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, लाल मिर्ची ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और एक हरी मिर्ची काट के ऐड करेंगे। अब इसे स्पून की हेल्प से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर बनके रेडी है। अब अपने हाथों पे पानी या ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको वड़े की शेप देंगे। ये हमारा एक वड़ा बनके रेडी है। हम सारे वड़े ऐसे ही बना लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके वड़ा ऐड करते जाएंगे। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम होना चाहिए, हम इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम इसे फ्लिप करेंगे ताकि जो दोनों साइड हैं वो अच्छी तरह कुक हो जाए। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हमारे वड़े बनके रेडी हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये हमारे गर्मा गर्म वड़े बनके रेडी हैं। अब हम इसे टमाटो केचप या अपनी फेवरेट चटनी के साथ सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।